हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ शारदा कोचिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौमित। तो देखिए, नवोदय विद्यालय अपडेट में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, पिछले 7 सालों से आप लगातार नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको मैं करता रहा हूँ। और आप भी यदि चैनल पर नए हैं और नवोदय विद्यालय की जर्नी को जो आपने ये यात्रा शुरू की है, फॉर्म भरने से लेकर नवोदय विद्यालय में जाने और उसके बाद तक की जर्नी के यदि आप मतलब उसको साझा करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और नवोदय विद्यालय से संबंधित छोटी छोटी सी यदि भी बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और तो और, आप ये जो नंबर दिया जा रहा है, नंबर को मतलब कि उसमें आपको मैं मतलब कि नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप मतलब कि यदि आपको कोई समस्या है नवोदय विद्यालय संबंधित तो आप वो पूछ सकते हैं। और लगातार जुड़े रहने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जो हम यहाँ स्टार्ट करने आए हैं उसको पहले चालू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए जो आवेदन है, जो आप अप्लाई करने का प्रोसेस है, वो चल चुका है। तो देखिए, आपको बता दें कि इसको आवेदन करने के लिए जो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर, ये मतलब कि किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या हम डायरेक्ट साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर हम लोग इसको अप्लाई करा सकते हैं, मतलब या पहले ऑफलाइन होता था तो अब क्या ये डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। देखिए, पिछले 3 से 4 सालों से ये लगातार ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इसमें एक बार बता देता हूँ। देखिए मेरे पास एक ही आपका एक परफॉर्मा, ये एक फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा ये मैं आपको जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये आपको पहले फॉर्म देखिए, आपको करना क्या है, ये मैनुअली आपको हाथ से भरवाना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप और फॉर्म की तरह जैसे आप भरते हैं तो आप डायरेक्ट साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा फार्म नवोदय का भर दो, तो ऐसा नहीं है। ऐसे फार्म नहीं भरा जाता है नवोदय का। नवोदय का फार्म भरने के लिए प्रोसेस अलग होता है। तो उसके लिए प्रोसेस है कि सबसे पहले ये आपको एक फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा अभी मैं इसमें बता रहा हूँ। फिलहाल इसमें आपको करना क्या क्या है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसमें आपको एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो आपको चिपकानी है। फ़ोटो, उसके बाद आपका इसमें देखिए नाम आपका, मतलब कि जो भी ये डिटेल है, ये आपका स्कूल भर के देगा जहाँ बच्चा आप मतलब इस समय पढ़ रहा है 5वीं क्लास में। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो मैंने आपको परसों दी है, उसमें मैंने बताया है कि कुछ बच्चे जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से मतलब कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से मतलब कि वहाँ उसको फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल दी हुई है। और वहाँ मैंने आपको बताया है कि भाई उसका क्या प्रोसेस है हमारा, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब जो हम यहाँ बता रहे हैं कि आपको ये स्कूल ये आपको भर के देगा। सबसे पहले कंडीशन है नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए कि जो आपका स्कूल है वो मान्यता प्राप्त हो, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे यदि आपका नंबर आ जाएगा और आप डॉक्यूमेंट्स में आप बाहर हो जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार करने हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो सुनते रहिए। और नवोदय विद्यालय से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि भाई आपको पसंद आएगा कंटेंट तो आप लाइक करेंगे ही करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको नवोदय तक पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सोमवार से 6 क्लास के जो बैच हैं वो शाम को चालू हो रहे हैं। उसकी क्या टाइमिंग वगैरह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जो हमारा वो चैनल जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको लास्ट में हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, फिलहाल मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म आपको इसमें से डाउनलोड करना। देखिए, मिलेगा कहाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉस्पेक्टस है, ये प्रॉस्पेक्टस आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की मेन वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। मेन वेबसाइट में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से मैं बैक अभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कि आपको कैसे वो करना है। ये इसी वीडियो में मैं अभी डाल रहा हूँ अगली क्लिप के, आपको कैसे ये वाला प्रॉस्पेक्टस आपको मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। ये एक अलग से वीडियो बना देंगे कि ये प्रॉस्पेक्टस आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी का ही खेल है इसमें हमारा सारा का सारा। देखिए, यहाँ से जब आप इस प्रॉस्पेक्टस में पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, देखिए जैसे ही आप सबसे नीचे इसमें जाएंगे, इसको स्क्रॉल मैं इस समय कर रहा हूँ,
देखिए सबसे नीचे जाने पे आपको यहाँ पे इसके सब जानकारियाँ, इसमें मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा क्या क्या आपको इसमें करना है, मतलब क्या क्या आपके लिए खास बातें हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए फिलहाल मैं आपको सबसे नीचे देखिए ये रहा, ये देखिए ये मैं आपका इसमें यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। देखिए भैया ये आपका वो मतलब कि पेज है, पेज नंबर देखिए मैं आपको बता दूँ प्रोस्पेक्टस में, ये आपका पेज नंबर है भाई, हाँ 28वां पेज है, देखिए 28वां पेज है ये, इस प्रोस्पेक्टस में आपका 28वां पेज है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपको सीधे अपने स्कूल के लिए लेके जाना है, जो स्कूल में जिसमें बच्चा पढ़ रहा है वहाँ आप जाएंगे, वो इसमें मैनुअली देखो डिटेल भरेगा, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, देखिए वो भरेगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एक फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट, और उसके बाद मतलब कि आपका देखिए सभी सारा का सारा फॉर्म जो वो आपका ब्लॉक मतलब कि जो ब्लॉक लेटर है जो कैपिटल लेटर है उसमें आपको भरना है, बड़े अक्षरों में, ऐसा नहीं आप छोटे अक्षरों में उसको भर भरा के रख दें, ठीक है ना, वो नहीं करना है। फादर नेम वगैरह आपको, मदर नेम, ये सब डालना है। नेम ऑफ द गार्जियन, गार्जियन का मतलब है कि यदि मतलब फादर या मदर मतलब किसी आप अंडर टेकिंग के किसी के अंडर में हो तो उसको आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, वो गार्जियन का मतलब ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि गार्जियन का नाम यहाँ भरना ही भरना है। गार्जियन में आप माता पिता का आपने भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि यदि आपके माता पिता बाई चांस गुजर गए हैं या नहीं है, या फिर आपको किसी और के अंडर में आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ आप इनका इस समय नाम आपको लिख सकते हैं, ठीक है ना, गार्जियन के नाम में। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको देखिए बिल्कुल वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है जो मैंने आपको बताई थी कि इस डेट और इस डेट के बीच में आपकी रेंज रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगी तो बाद में देखिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे नंबर आने के बाद भी, ठीक है, ये मैं इससे पहली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनरल ओबीसी एससी एसटी में आप आते हैं, ध्यान रखना जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, अभी मैं देखिए आ रहा हूँ मैं इसी कंसेप्ट पर आ रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो आपका ओबीसी या एससी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ देखिए उसी चीज़ को आ रहा हूँ मैं, यहाँ आधार कार्ड का आपका नंबर कर दीजिए, पैन नंबर ऑफ द कैंडिडेट ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पैन नंबर जो है ये परमानेंट, ये मान लीजिए ये आपका स्कूल आपको देगा, ये पैन नंबर जो है ये स्कूल आपका देगा और सारा खेल इसी पैन नंबर का है इस बार, ठीक है ना, इसी पेन नंबर का सारा खेल है। मैंने आपको पहले इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये स्कूल आपको भर के देगा और इसमें आपके मतलब कि मोहर स्कूल लगा के देगा, रिलीजन आपका, नेशनलिटी, एनुअल इनकम, जो आपके फादर की आय होती है, एक आय प्रमाण पत्र होता है कि आपके पिताजी 3,000 रुपये महीना कमाते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, देखिए वो आप इसमें भर देना। लेकिन एक मैं सीक्रेट बात आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो है वो कितनी आपको भरनी है ये आपको बाद में जब नवोदय विद्यालय में पहुँच जाओगे वहाँ दिक्कत करता है, क्योंकि आपको फीस भी देनी होती है नवोदय विद्यालय में, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं, फीस भी देनी होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको फॉर्म भरने के बारे में बात बता रहा हूँ तो जो कि नवोदय के गाइडलाइन के अनुसार उल्लंघन होगा, ठीक है ना, वो आपको सीक्रेट यहाँ नहीं बता सकता, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए आपको कितनी यहाँ पर रेंज रखनी है, फिलहाल तो यही है कि जो आपकी हो भैया वो आप भर देना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये देखिए आपका बच्चा थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में जहाँ भी पढ़ा है वो आप डिटेल भर दीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में यहाँ देखिए हेडमास्टर के साइन ये जरूरी है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको जरूरी है, और सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विद सील, उसमें मोहर भी लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आप करने के बाद इसको आप लेके जाएंगे साइबर कैफे वाले के पास, साइबर कैफे वाले से तब आप कहेंगे कि भैया हमारा फॉर्म भर दो, ठीक है ना, वो तब आपको इसी के आधार पर इसके फोटो वगैरह स्कैन होंगे, ठीक है ना, आपने जो फोटो चिपकाया है वो स्कैन होगा, ठीक है ना। और मतलब उसका फॉर्म भरने का भी एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, आप घर पे भी मैनुअली इसको भर सकते हैं, कैसे भरेंगे उसका मैं आपको कल या परसों में इसको वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए ये सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स भी, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये भी आपके मतलब कि स्कैन होंगे, और ये सिग्नेचर, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ये स्कैन होगा। उसके स्कैन होने के बाद देखिए ये आपका फॉर्म भर जाएगा, वो आपके उस पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो पासवर्ड होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ज़रूरी क्या क्या, देखिए डॉक्यूमेंट्स, कई कमेंट आ रही हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करें, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रखने चाहिए। देखिए अभी आपको फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार नहीं करना है, लेकिन आपको तैयार करके क्या रखना है ये मैं आपको बता दूँ। आपके जो बच्चा है आपका पाल्य पालिया जो है, मतलब कि जो जिसको मतलब कि आप फॉर्म भरा रहे हैं उसका, एक आपका यदि आप ओबीसी या फिर एससी या एसटी कैटेगरी में आप लोग आते हैं
तो आपका वो सर्टिफिकेट आपका सेंटर का आपको बनवा के रख लीजिए, है ना, वो आगे तक भी काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बनवा लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है, 100-120 रुपए लगते हैं उसको बनने में, वो आप बनवा लीजिए, ठीक है ना। पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपका ये हो गया। दूसरा देखिए, आपका जो बहुत सारे बच्चे इसमें चालाकियाँ करेंगे वो डेट ऑफ बर्थ के साथ करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के साथ जब आप करेंगे तो उसमें वो कहता है कि बच्चा कि भैया मैं मतलब कि अभी मैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लूँ या नहीं कराऊँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जिस समय आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पेपर देने जाएंगे वहाँ आपको आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी होगा, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है और उसमें अलग है तो आप पकड़े जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि सेंटर पे चेकिंग होने लगी है, ठीक है, तो वहाँ पकड़े जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप यदि चेंज करा रहे हैं तो भाई आप परमानेंट करा लीजिए, ठीक है ना, बाद में भी ऊपर तक तो स्कूल तक ही तो चेंज करानी पड़ेगी, ये मैंने आपको बता दिया इससे पहले वीडियो में कि आप चेंज कराएंगे तो पैन नंबर में भी आपको चेंज करानी पड़ेगी, जो पैन नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्योंकि पैन नंबर डालती है आपका सारा डाटा वहाँ खुल जाता है, ठीक है, तो वो तो आपको चेंज करानी पड़ेगी यदि आप, ठीक है ना, तो आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए और प्लस आपका बाद के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, आपका देखिए और भी बाद में मैं आपको सब बताऊंगा जब डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिएगा वो आपको मैं इसमें बता दूंगा, क्योंकि जब आपके मतलब कि ये प्रोसेस होगा भरने के लिए जब आपका नंबर आ जाएगा तब तक भी आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना, जब आपको भेज के ही नवोदय में हम लोग दम लेंगे। तो देखिए फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, एक ये फॉर्म आपको भरना है, ये फॉर्म आपको लेके कंप्यूटर वाले के पास जाना है, स्कूल की देखिए हेडमास्टर की मोहर हो और बाकायदा सब चीज़ ये डिटेल भरी भी हो, और उसको जब आपको लेके जाना है क्योंकि आप लोग रिजेक्ट भी हो सकते हैं, अब इस बात फार्म की गहनता से जाँच हो रही है, ठीक है ना, और प्लस आपका बाकी और कुछ नहीं है, अभी फिलहाल आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, जो आपकी स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है वो बराबर होनी चाहिए, और आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता हुआ होना चाहिए, उसी जिले में और वो स्कूल होना चाहिए जिस जिले के वो बच्चा रहने वाला है, आधार कार्ड में जो एड्रेस होना चाहिए वो उसी जिले का है, उसी उसका मतलब कि जिले का होना चाहिए जिस जिले में वो बच्चा पढ़ रहा है, यदि नहीं है तो अदरवाइज़ आपको वो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है ना। और भी देखिए कोई भी आपके में ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट गया हो जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप कमेंट में कर देना, अगली वीडियो आपके लिए होगी, जो आपका कमेंट होगा उसी पे आपको वीडियो मिलेगी। फिलहाल देखिए नवोदय विद्यालय से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए तैयारी आपकी भरपूर कराएंगे, एकदम बेहतरीन आपकी तैयारी कराएंगे, उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ रोजाना, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए शिवरात्रि के बाद तक ही ऐसा लग रहा है कि हमको ये बैच चालू हो पाएगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अभी बच्चे भी इधर उधर लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, लाइक जरूर करते जाएं यदि पसंद आया हो तो।